हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर एनसीईआरटी फिजिक्स, और इसका चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। हमने क्वेश्चन नंबर 1.8 लिया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन है, टू पॉइंट चार्जेज क्यू ए इज इक्वल टू 3 μc एंड क्यू बी इज इक्वल टू -3 μc। म्यूसी मतलब माइक्रो कूलम। आर लोकेटेड 20 cm अपार्ट इन वैक्यूम। यहाँ पे देखो क्यू ए है 3 μc, क्यू बी है माइनस का 3 μc, इनके बीच की डिस्टेंस है 20 cm, ये लिखा हुआ है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी। जो हमारा ए बी है, इसके मिड पॉइंट को ओ नाम दिया है, तो जब मिड पॉइंट ओ बनाएंगे 10 cm इधर आ जाएगा, 10 cm इधर आ जाएगा, ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। ओके, बी पॉइंट में कह रहा है, इफ़ निगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक, इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। यानी यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज हम लोग जब दूसरा सॉल्व करेंगे रखेंगे, वो माइनस का है। व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो जो टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे हम लोग, उस पर फोर्स कितना होगा। पहले पार्ट के लिए हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू ए हमारा दिया 3 μc, इसको हमने लिखा 3 × 10⁻⁶ कूलम, और क्यू बी दिया माइनस का 3 μc, तो इसको हमने लिखा माइनस का 3 × 10⁻⁶ कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में इस माइनस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड हो जाता है। यहाँ देखो बच्चों, ये हमारा क्यू ए जो चार्ज है पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बाहर से आएगी, तो इस डायरेक्शन का आएगा ई ए, ठीक। और ये हमारा निगेटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ओ से ई की ओर आएगा। निगेटिव चार्ज में फोर्स लाइन इंटर करती है, तो यहाँ पर जो हो गया हमारा ई बी, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का प्लस होगा, जो है एक ही डायरेक्शन की हैं दोनों, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का प्लस होगा। फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का लगा दीजिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 × 10⁹ क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। आप देखो स्टूडेंट, इन दोनों में ये कॉमन हो जाएगा 9 × 10⁹ अपॉन आर स्क्वायर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आ गया क्यू ए और प्लस क्यू बी। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, देखो वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखना। इज इक्वल टू 9 × 10⁹ हो गया अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारी 10⁻¹ है मीटर, तो इसका स्क्वायर इंटू हमारा जो क्यू ए और क्यू बी आ गया, तो क्यू ए है 3 × 10⁻⁶ और प्लस क्यू बी भी है 3 × 10⁻⁶, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पे ये निगेटिव नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। अगर वो निगेटिव लगा देंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड गलत आ जाएगी, ठीक है। ई की वैल्यू हो जाएगी ई इज इक्वल टू, ये पावर हो गई -2, नीचे ऊपर गया प्लस हो गया, 9 × 10⁻¹ × 3 ऐड हो गया 6 × 10⁻⁶, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 54 × 10⁵, ठीक। और ई की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 5.4 × 10⁵⁶ न्यूटन पर कूलाम।
न्यूटन पर कूलाम। इसकी डायरेक्शन किधर है, ओ टू बी, तो डायरेक्शन लिख देंगे, डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन है ओ से बी की ओर है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम दूसरा पार्ट निकालें बी पार्ट, तो बी पार्ट पे हमारा जो क्यू दिया है, क्यू नॉट यहाँ पे दे रखा है, वो एक निगेटिव टेस्ट चार्ज है। तो निगेटिव टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस 1.5 इंटू 10^-9 कूलाम है। ठीक, अब हमको यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो क्यू नॉट यहाँ पे हमारा रख दिया गया, ये क्यू नॉट। अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होता हमारा फोर्स ऑन क्यू नॉट। ठीक, तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई हो गया, यानी एफ की वैल्यू हमारी आ गई, क्यू नॉट हमारा दिया है माइनस 1.5 × 10^-9 इंटू ई हमारा आया है 5.4 × 10^6 आर इज इक्वल टू हो गया एफ इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8.10^-3, इतना न्यूटन आ जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, फोर्स निगेटिव आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन का है तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन का आएगा। ठीक, यानी इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ओ टू ए होगी, डायरेक्शन इसकी, डायरेक्शन ओ टू ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी टू ए, दोनों ही सही है। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। ओके स्टूडेंट, गुड डे।